भारी मिस्टेक हो गया सर। उसको सीखते ही रखता, हम सबसे पहले उठते हैं। इतना छोटा कितना आप क्या बोलते हैं जल्लाद, देखो ना रुएल। पालक पालक फसा भाई जी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। आज सुबह सुबह मैं नदीमू, पहले तो अमायरा को पहले ड्रॉप कर दिया उसके बस तक, मैं और नदीमू निकल पड़े हैं सुबह में ठंडी ठंडी हवा खाने। पहले तो बाइक से खाया, अब गाड़ी से खाएंगे क्योंकि बाइक में बहुत ठंडा लग रहा था और सोचा चलो घूम फिर के आते हैं बाहर से। हमेशा मैं बहुत दिनों के बाद आई थी अमायरा को, अरे क्या हो गया, हाँ तो बहुत दिनों के बाद आई अमायरा को ड्रॉप करने के लिए। मुझे 1.5 महीने के बाद आई, उससे पहले इसके बाद पहले नहीं आ रही थी। आज ड्रॉप कर दिया, फिर सोचा क्यों ना चलो ठंडे की मज़ा लेते हैं। और मेरे खसम को देखिए, खसम हाय बोल दीजिए। खसम हाय। हाय हाय। अच्छा को आप अकेला स्कूल भेजते हैं? तो मैं भी जाऊं स्कूल, समझ में आएगा वो कितना ठंडा है बाहर। मेरे को तो नहीं समझ में आया, हम भी बचपन में स्कूल जाते थे, उसके लिए जरूरी था। अभी फिर तो छुट्टी हो जाएगा ना। तो फ्रेंड जब माएँ भेजती है तो जाती करती है, बताओ ऐसा है? ठीक है कल से नहीं भेजेंगे, हम भी सोए रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। तो अभी पता नहीं, कल से आप जाइएगा वो सोएगी, मैं स्कूल जाऊंगी। मेरा अपना कोटा पूरा हो गया पढ़ाई लिखाई करने का, समझ में आ गया? मेरे को नहीं पढ़ाई लिखाई करनी। ठंडा लग रहा है, अब जा रहे चाय पीने के लिए। गाड़ी का यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बहुत आगे उस साइड में लगाना पड़ता है, तो हम लोग थोड़ा पास में लगा के जल्दी से चाय लेके गाड़ी के पास चलते, थोड़ा सा पीते वीते हैं। अब बहुत देख सकते हो एकदम, ये रहा विक्टोरिया, ये रही मैं और मेरे खसम भी है। अब बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है हमको। हाँ इतना ठंडा कैसे आया? बहुत ठंडा लग रहा है यहाँ पे, ऐसे नहीं लग रहा था ठंडा, पर अभी बहुत ठंडा लग रहा है यहाँ पे, ज़्यादा ठंडा लग रहा है। चाय पिलाइए ना, बाहर में पीएंगे हम। हाँ चाय पीते हैं, हमको छोटा दीजिएगा। भाड़ ऐसा लोकेशन में, भाड़ में चाय, अरे कहाँ गए विक्टोरिया? ये रही चाय, ये रहा विक्टोरिया, ये रही चाय। मेरे हाथ में भी गिर गया, अच्छा है मेरे हाथ में भी गिर गया थोड़ा। हाँ नहीं रहने दो, यही अभी गर्म का दिन होता ना, ये मुंह से आवाज निकल जाता। तो फ्रेंड हम लोग आए हैं भटूरा सिंह, बहुत फेमस है इंस्टाग्राम में, नदीमू ने ढूंढ के निकाला है कि मुझे छोले भटूरे खाने थे ना दिल्ली जैसे, तो उन्होंने ढूंढ के निकाला है। ये भटूरा सिंह देख सकते हैं, बहुत फेमस है इंस्टाग्राम में और बहुत टेस्टी भी होता है आई थिंक सो। कुछ पूछने आ रहे हैं, क्या हुआ? गिलास ओपन कर लीजिए। नहीं ठीक है, अच्छा लग रहा है। बस गाना सुन रहे थे ना।
तो फ्रेंड आपको जैसे पता है मैं बहुत दिन से बोल रही थी छोले भटूरे खाने हैं। तो नदीमू ने ढूंढ के निकाला इंस्टाग्राम से कि भाई चलो एक जगह है छोले भटूरे बहुत दिल्ली जैसा मिलता है, तो चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं आप खा के देखिए शायद आपको वहाँ की तरह लगेगा। तो वो मुझे लेकर आ गए हैं यहाँ छोले भटूरे, अब खा कर देखती हूँ। मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ क्योंकि बाहर में बहुत रश है अभी से ही, अभी बज रहे हैं 8:30। मैं इससे पहले एक बार आके घूम के गई, उस वक्त क्लोज था, तो देखते हैं कैसा टेस्ट है फिर बताएंगे आपको कैसा लगा। छोले भटूरे बहुत देर वेट करने के बाद आ गया है छोले भटूरे और आ गए मेरे खत्म भी। पानी खा के देखो, तो छोले भटूरे में खा के देखते हैं छोले भटूरे। पहले आप खाइए, इसमें पता है प्याज लहसुन नहीं दिया, गरम छोले भटूरे खाने वाले तरीका। गाना बंद कर देने तो हमदर्द हो जाएगा इधर मेरे साथ। पहले भटूरे को ऐसे तोड़ने को, सब्र का फल छोले भटूरे होता है, फिर उसके बाद दीजिए तो स्पून से इसके ऊपर दीजिए ना जी, कंजूस बनते हैं। एक प्याज का टुकड़ा डालिए, एक प्याज का छोटा सा प्याज का टुकड़ा डालिए। अब इस नहीं अचार नहीं खाते। ऐसे खाते हैं आया, थोड़ा फ्लेवर आया, दिल्ली वाला फ्लेवर आया। लेकिन पनीर और एक प्लेट ले लेंगे खाइए। घर आ चुकी हूँ, नदीमू अपने काम पे लग गए हैं, अभी चाय मैं लोगों ने बनवा लिया है। चाय तो वैसे पिया था सुबह में, बट एक बार और पी लेंगे चाय क्योंकि चाय का मन कर रहा है चाय पीने का। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस बेबी, कितना अच्छा था ना, टेस्टी था। तो मैं रिकमेंड करूंगी एक बार आप लोग जरूर कोलकाता में है तो जरूर एक बार जाए। लोकेशन अगर मेरे को, मैं लोकेशन भी डाल दूंगी इस बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत अच्छा था। सो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यही पे एंड करते हैं। अब बाकी के सारे काम, घर का पूरा काम पेंडिंग है, अभी थोड़ा बेड वेड ठीक कर दिया, बस घर का पूरा काम पेंडिंग है तो वो फटाफट करते हैं। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन दुआ में याद रखना, अगर वीडियो पसंद लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज लाइफस्टाइल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।